हेलो फ्रेंड्स, ओम गोस्वामी टेक चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एक आपको बोर्ड बना के दिखाने वाले हैं, जो कि एक एक्सटेंशन बोर्ड होने वाला है, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में आपका बन के ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या लगता है। तो भाई, एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए हमें इस तरह का एक डब्बा लेना होगा, जो कि पूरा स्क्वायर शेप का है, ये देखो। और ये एक HTC फ़ोन का डब्बा है, जो कि बहुत पहले ही आता था। ये एक 3G फ़ोन का डब्बा है, तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये 5 पिन का सॉकेट यूज़ करने वाले हैं, और एक 2 पिन का और एक 2 पिन का, दो 2 पिन का और एक 5 पिन का। और हम इसके साथ में कुछ स्विच यूज़ करेंगे, जो कि ये देख सकते हो, ये इस तरह का। इसमें 4 टोटल लगाएंगे, ताकि हम इसे 3 स्विच के लिए 3 रख सकें, और एक रखें मेन स्विच, जो कि इस LED को पावर के लिए मेन हो। और ये मैंने पुराना मॉर्टिन का डब्बा से निकाला है, मॉर्टिन मशीन से, गुड नाइट का, क्योंकि ये ख़राब जल्दी नहीं होता। आपने बहुत सारा बोर्ड में देखा होगा कि बोर्ड चलते हुए लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है कुछ दिन के बाद, तो लेकिन फिर भी ये सब स्विच में लाइन आता है, तो पता ही नहीं चलता है कि उस पर लाइन है या ना है। तो ये हमारा कभी ख़राब नहीं होने वाला है, तो ये हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में। और ये प्लग है, और इसके साथ में हमें एक्सटेंशन के साथ में हमें ये सब लगाने वाला है, जो कि टाइट करने के लिए इस बोर्ड में। तो ये देख सकते हो ये बॉक्स। तो भाई ये कुछ इस प्रकार का है, ये देखो। तो हम लोग यहाँ पर पहले इससे इसके लिए एक कट करना होगा, ये तीनों के लिए और प्लस स्विच के लिए, जो कि हम एक स्विच यहाँ पर और इसका यहाँ पर और इसका हम यहाँ पे देने वाले हैं, और पावर का जो रहेगा, जो मेन है, उसको यहाँ पे देने वाला है, और ये LED होगा बीच में। तो फटाफट हम इसे डायग्राम करके आते हैं। तो इस शेप में इसको कट करने के लिए हमें पहले से मार्कर से इसका एक ड्राइंग बना लेना होगा, उसके बाद हम इसे कट करके हम आपको दिखाते हैं। तो भाई, इसका ड्राइंग बनाने के लिए हमें पहले इस स्क्रू को यहाँ पे इस तरह से खोलना होगा, जिससे इसके सारे उर्जे पुर्जे ये इधर आ गए। ये देखो, ये पूरा। अब हम इसे यहाँ पर पेन की सहायता से इसका एक ड्रॉ कर लेंगे, जो तो कि कुछ इस तरह से है। ये देखो, ये हो गया, ये आसानी से हो गया इस तरह। ये देखो, अब इस जगह पे हमें कट करना है। तो भाई फाइनली हम इसे पूरा कर लिए हैं। ये देखो, ये रहा हमारा 5 5 पिन सॉकेट का, ये 2 पिन का, ये 2 पिन का, और ये रहा मेरा ये स्विच का, ये इधर के स्विच का, और ये इस स्विच का, ये दोनों का। और ये जो है ये मेन स्विच का, और यहाँ पे ये जो है ये छोटा सा LED है, जो कि हम लगाएंगे, इससे हमें पता चले कि बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं, ये इसके लिए है। तो फटाफट हम इसे कट करके मिलते हैं आपको। तो फाइनली हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, ये हम आपको काटते हुए इसलिए नहीं दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे काट के लिया है। बहुत इजी काटना है, मैंने गैस चूल्हा से गर्म करके चाकू को और स्लाइन के हल्का सा नज़दीक करके काट लिया। ये देखो, ये इस तरह से कट गया है, ये इस तरह से कट गया है, और ये इस तरह से कुछ कट गया है। और ये देखो, ये भाई ये पूरा हो चुका है ये वाला। अब देखो ये कितना कितने अच्छे से ये बैठ जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे आप नट भी लगा सकते हो, या फिर जगह नहीं है तो आप फैबिक क्विक से अच्छे से एयर टाइट कर सकते हो इसे। ये देखो, ये वाला यहाँ पे है, और ये वाला भाई मैंने फाइनली इस LED के लिए लगाया, जो कि यहाँ पे लगेगा, और ये सब यहाँ पे ये स्विच लग जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखो, और एक इधर लगेगा, तो ये इसके इसका हो जाएगा, ये वाला स्विच इससे कंट्रोल होगा, ये स्विच इससे होगा, और ये होगा जो मेन का जो पावर, जिससे ये जलेगा पूरा, इसमें सप्लाई जाएगा। तो हम इसे अच्छे से क्लीन करके मिलते हैं आपको। तो भाई, इसे मैंने जितना क्लीन हुआ उससे हम उतना क्लीन कर चुके हैं। ये देखो, ये ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि इस पर प्लास्टिक चिपका हुआ था, प्लास्टिक वाला पेपर, जो कि फ़ोन के डब्बे का था, उसके कारण ये क्लीन नहीं हो रहा। आप चाहें तो इसे कलर कर सकते हैं, स्प्रे कलर आता है, उससे आप इसे पूरा कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो हम आपको नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम ये सब स्क्रू ड्राइवर चलिए लगाते हैं। ये हमारा है, ये पहला सॉकेट, ये दूसरा, और ये का स्विच,
कुछ इस तरह से ही देखो ये कितने अच्छे से बैठ गया। अब ये इधर हो गया, तो भाई इस एलईडी को अब हमें क्योंकि पावर की एलईडी है हमें यहाँ पे लगाना है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके जगह पे हम एक काम कर सकते हैं, इसे हम पहले इस तरह से एक पेपर रखेंगे और इसमें हम पूरा ग्लू डाल के इसे, ये देखो ये पूरा ये भर गया अच्छे से। अब हम इस पर ये एलईडी चिपका सकते हैं, देखो इसे इस तरह हम चिपका देंगे, ये देखो ये मैंने इस तरह कर दिया इसे। अब ये देखो ये मैंने ग्लू से चिपका दिया क्योंकि यहाँ पे स्विच था और हम इसे हटाना नहीं चाहते थे, तो इसे मैंने इस तरह करके चिपका दिया है। अब हम पूरा ये सब कनेक्शन करके आपसे कनेक्शन का वीडियो दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम इसे पूरा एयर टाइट कर लिए हैं, ये देखो। अब हम इसे कनेक्शन करते हैं, जिसके लिए मैंने इस कॉपर वायर को लिया है, ये बहुत ही मोटा है और ये 80 वाट तक के लोड को ये झेल सकता है भाई। तो इस पे हम ये वाला वायर यूज़ करने वाले जो कि एक्सटेंशन बोर्ड का है, वो ख़राब हो गया था मेरा, मतलब बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ था, उसका वायर हम रख लें और उसको फेंक दें क्योंकि वो मुझे कोई काम का नहीं था और ये टोटल 10 मीटर का है, तो इसके जगह पर हम लोग ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो भाई अब फाइनली बारी है इसका कनेक्शन की, तो नए कनेक्शन के लिए सबसे पहले इसे इस तरह से बंद करूँगा, देखो इस तरह से हो गया बंद। अब हम तो इसे हम इस तरह से इस जगह पे घुसा लिए हैं, अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे बहुत ही नॉर्मली, ये ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है, तो ये देखो, तो ये अब यहाँ पर इससे हम थोड़ा सा लंबा सा वायर कर लेंगे और इसे हम इस जगह पे इस तरह करके पहले देख लेंगे। हाँ तो ये इस तरह से, तो हमारा पहला कनेक्शंस ये इस स्विच पे होगा, ये देखो ये वाला एक मेन काम इस पे करेंगे और एक यहाँ से एक यहाँ पे देंगे, तो कनेक्शन करके फटाफट आपको मिलते हैं। तो पहले हम इसके मेन वायर का कनेक्शन करेंगे जो कि एक स्विच से है, तो ये हम इसे, ये देखो तो भाई ये हो चुका है। अब हम एक वायर के ज़रिए एक यहाँ पे एक वायर ले लेंगे और इसका कनेक्शन हमें, ये लाइट का कनेक्शन है जो कि लाइन पावर देने पे ये लाइन, ये लाइट ब्लिंक करेगा, तो इसे हम इस जगह पे करते हैं। तो भाई टोटल हम पूरा कनेक्शन कर लेते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और हम आपको कनेक्शन का डायग्राम भी दे देंगे। तो भाई ये देखो फाइनली हम इसका कनेक्शन पूरा कर लिए, ये देखो जो कि एक तार, एक वायर जो वाइट वाला देख रहे हैं वो पूरा मेन वायर है जो कि मैंने एक मेन के साथ में कनेक्ट कर दिया है, ये देखो लाइन का इसी के साथ में ये खुच का, और इसका जो न्यूट्रल का दूसरा वायर आएगा उस पर मैंने सब में जो जो बोर्ड जो स्विच से काम कर रहा है उस पर लगा के कनेक्शन कर दिया है, जैसे ये वाला है, तो इसे मैंने इस ब्लैक वायर के मेन तार देना है, तार के साथ में देना है, तो इसे हम यहाँ पर कर दिए, तो ये यहाँ पर गया, तो यहाँ से ये कट गया, जब स्विच देंगे तब ऑन होगा और इस पर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह सारा का हमने ये कर लिया है, सारा का ये तीनों हमने ऐड करके और यहाँ पे जोड़ के अच्छे से फाइबर स्लिप लगा के सिर्फ कस देंगे और ये फाइनली हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में। तो ये देखो ये मैंने ऐसे पूरा कर दिया इसे, ये पूरा ऐसे हो गया है हमारा। अब इसे हमें इसके साथ करना है, तो हम इसे ऐसे करके पहले मैं इसे थोड़ा सा शोल्डर कर दे रहा हूँ ताकि जब मैं करूँ तो कोई वायर छूटे ना और अच्छे से वो हो जाए। तो ये एक मेरा हो चुका है, तो अब मैं ये तीनों वायर को इसके साथ में कर दूँगा, ये देखो। अब हम इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसे पूरा अच्छे से शोल्डर कर देंगे।
ये हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हम इस पे इस तरह का फाइबर स्लिप यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पे इस तरह करके लगा के, ये देखो कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा, और इसे हम इस तरह कर देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से पकड़ ले। ये हमारा हो चुका है फाइनली, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो अब इसका टेस्टिंग का टाइम है भाई। टेस्टिंग से पहले हम एक चीज़ करना भूल गए थे, ये देखो इसे हम इस तरह से यहाँ पे गिट गाठ लगा देंगे ताकि ये खिंचाव पड़ने पे यहाँ से खुले ना। ये देखो ये जब यहाँ से पड़ेगा इस तरह तो ये यहाँ से खुलने लायक नहीं रहेगा। ये देखो इसे मैंने इस तरह कर, अब इसे मैं फाइनली पूरा साफ करके यहाँ पे इसे इस तरह से लगा दूँगा। तो ये हमारा देखो कितना अच्छा ये बन चुका है। तो गाइस ये देखो ये किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, देखो कोई फेक वीडियो नहीं है। ये देखो ये पूरा देसी का है, और ये मैं अब इसे लाइन पे देके टेस्ट करवाने वाला हूँ। तो ये देखो ये मेरा बोर्ड है, मैं इसी पे लगाने वाला हूँ। ये देखो पहले मैं स्विच सबका ऑफ कर देता हूँ। ये देखो ये मैंने लगाया इस तरह से, और ये वाह ये देखो ये ऑन हो चुका है। ये देखो अभी आपको क्लियरली दिखता होगा, ये देखो ये ऑन हो चुका है। तो हम देखते हैं इस पे ये सच में काम करता है या नहीं। तो इससे हम आयरन यूज़ करने वाले हैं, सोल्डरिंग आयरन। हम आपको दिख, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है जो कि 20 वाट का है। तो देखते हैं इस पे ये काम करता है या नहीं। तो पहले हम इसको करने वाले हैं। वाह ये देखो ये ऑफ हो गया। तो भाई इससे ये होगा ना, जैसे इमरजेंसी में आपको मान लीजिए इस स्विच का ऑन करना है और काम करना है, इसका नहीं करना है, तो इसे आप ऑफ़ कर सकते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको मेन ही बंद करना है, तो देखो ये हो गया, ये मेन लाइन है, ये पूरा बंद हो गया। ये देखो ये पूरा बंद हो गया। अब हम इसे दूसरे पे लगा कर टेस्ट करते हैं। ये देखो ये ऑन का है। तो भाई ये देखो ये भी ऑन हो चुका है। ये देखो ये मेन वाला है, ये देखो बंद करने पे ये बंद हो गया। देखो ये लाइट भी बंद हो गया, अब ये ऑन हो गया और ये ऑफ़ कर दिए। ठीक है अब ये रहा अब फाइनली लास्ट का है। तो ये देखो ये ऑन हो गया, इससे अब ये हम ऑफ़ कर दिए, ये ऑन कर दिए, अब इससे ऑफ़ कर दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई, एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा है मुझे और बहुत टाइम भी लगा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे ज़रूर बताना।